हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम देखते हैं आलू का पराठा बनाना। आलू के पराठे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आलू का पराठा बनाना, जिसको देखकर आप यही तरीका अपनाएंगे हमेशा आलू का पराठा बनाने के लिए। इसके लिए हमने आलू को उबाल लिया है, उबाल के छील कर ले लिया है, और ये धनिया की पत्ती है जिसको हमने कट कर लिया है, ये दो हरी मिर्च हैं, ये अनियन है जिसको हमने कट कर लिया है, ये कुछ कलियां थी लहसुन की जिसको हमने छील कर कद्दूकस कर लिया है। आइए अब हम पहले अपने आटे को लगा लेते हैं। ये आटे को हमने ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डालेंगे क्रश करके। आटे में आप थोड़ा सा अजवाइन डालकर बनाइए, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए अब हम अपने आटे को लगा लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को लगाएंगे। हम आटे को इस तरह से गूंथ लेंगे। आलू के पराठे के लिए हमेशा आटा थोड़ा नरम लगाना चाहिए, इससे हमारे पराठे अच्छे से बनते हैं, फैलते हैं। अगर आटा टाइट रहेगा तो हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे, अच्छे से नहीं बिलेंगे। इसलिए हमें आटे को हमेशा नरम ही लगाना है, हमारे पराठे बहुत अच्छे से फैलते हैं। ये देखिए हमने आटे को लगा लिया है, हमने इसको नरम ही गूथा है। बर्तन को रख लेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, हम आटे को एकदम नरम नरम लगा लिए हैं, गूथ लिए हैं। आप जब भी पराठा बनाइए आटा नरम ही गूथिए, इससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप टाइट आटा गूथ लेंगे उससे हमारे पराठे अच्छे से नहीं बनते हैं। आइए अब हम अपने आलू की स्टफिंग को बना लेते हैं। हम चूल्हे को जला लेते हैं, पैन को रख देते हैं। इसमें एक चम्मच हम देसी घी डालेंगे। आप इस तरह से पराठे एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जो हम आलूओं को ऐसे ही मिक्स करके ऐसे ही हम उसमें धनिया डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, फिर मिक्स करके हम पराठे बनाते हैं, उससे अच्छा आपको इस तरह से आलू जब आप भूनकर बनाएंगे वो पराठा एक बार बना कर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें हम जीरे डाल देंगे, जीरे को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, ये कुछ कलियां हमने ले लिया थे, इसको कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें हम एक अनियन जो है कट किया है उसको भी डाल देंगे। हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही रोस्ट करना है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर मिला हुआ है, थोड़ा सा हम इसको डाल देंगे, आधा चम्मच मिला लेंगे। अब हम आलू को डाल देते हैं। हमने इस आलू को कद्दूकस किया था, आप चाहे तो हाथ से भी इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारे आलू को इस तरह से डाल देंगे। अब इसकी करछी की सहायता से इसको मिला लेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा आलू का पराठा, अगर आप आलू ऐसे भूनकर बनाएंगे। एक बार हमारे इस तरीके से आप बनाकर देखिए, आलू के पराठे आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसको करछी से दबा दबा के हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। इसमें हल्का सा हम चाट मसाला डालेंगे। आप लोग आलू के पराठे में चाट मसाला बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसमें नमक हम अभी नहीं डालेंगे, जब हम पराठे बनाने लगेंगे तब इसमें नमक डालेंगे, नहीं तो हमारे आलू गीले हो जाएंगे। हमने इसमें घी डाला है, आप चाहे तो इसमें तेल में भी भून सकते हैं, तेल में भी बहुत अच्छे बनते हैं ये। जब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे तब हम इसमें धनिया डालेंगे। इसमें ये धनिया और मिर्ची भी हम भूल गए थे डालना, बट कोई बात नहीं, ये तो पराठे में पक ही जाएगा। तो हम ये मिर्ची भी डाल देते हैं और धनिया भी डाल देते हैं। हम इसको डाल के मिला देते हैं। आप इसमें हरी धनिया डाल के बनाइए, हरी धनिया से पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा ज़्यादा हरी धनिया डालिए। आइए अब हम अपने आलू की स्टफिंग को पलट लेते हैं थाली में, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए।
इसको इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तब हम इसमें बनाते समय इसमें नमक डालेंगे, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। अब हम इसको ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम पराठे बनाएंगे। ये देखिए हमारा आलू का मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें नमक मिला देंगे, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिए हमारे आटे में भी नमक है, इसको हम मिला लेते हैं। आलू में हमने नमक को मिला लिया है, अब हम पराठे बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपने पराठे को बना लेते हैं। इसके लिए हमने लोई तोड़ लिया है। लोइयों की इस तरह से हम थोड़ा बड़ा करेंगे उंगलियों की सहायता से घुमा घुमा के। इधर तवे को हम रख देते हैं चूल्हे पे और चूल्हे को जला देते हैं, हमारा तवा गर्म होता रहे। स्टफिंग को हम भर लेते हैं। ये देखिए हमने खूब ढेर सारी आलू के मिक्सर को हमने भर लिया है। इस तरह से हम मिक्सर को ऐसे दबाएंगे और लोइयों को ऐसे उठाएंगे, उठा उठा कर इसको हम बंद करेंगे। एक्स्ट्रा आटा को हम ऐसे निकाल देंगे, पत्थर लगा लेंगे। हाथ की सहायता से, उंगलियों की सहायता से थोड़ा हम इसको दबाएंगे, जिससे हमारा मिक्सर पूरा हमारे पराठे में खूब अच्छे से फैल जाए। आइए अब हम इसको बेलते हैं। थोड़ा सा परथन लगा लेंगे, इसको हल्के हाथ से हम बेलेंगे। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से बेल रहे हैं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं फटे हैं। इसमें हमने मिक्सर भी खूब भरे हैं। हमें आलूओं को पराठे को हल्का मोटा ही रखना चाहिए, उससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पराठे बहुत अच्छे बेले हैं। अब इसको हम तवे पे डालते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है, पराठे को डाल देते हैं। और आप हमेशा पराठा सीखते समय गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिए, तेज मत रखिए, उससे पराठे हमारे जल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इससे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन होकर बनेंगे। अब हम अपने पराठे को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पराठे में। अब हम इसमें देसी घी लगाकर इसे फैला देते हैं। इसे ठंडियों में घी जम गए हैं तो इस तरह से गिरा के हम चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे। आप इसमें चाहें तो देसी घी, बटर, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा के इसमें पराठे बना सकते हैं। आप देसी घी में पराठे बनाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। हम इसे पलट देते हैं, इस तरफ भी घी लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पराठे में कितनी अच्छी कलर आई है, कितने अच्छे से पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हमारे पराठे बहुत अच्छे फूल भी रहे हैं, कितने अच्छे से पराठे फूल गए हैं। अगर कभी आपके पराठे फट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फटे पराठे बना देखने में थोड़ा कम अच्छे लगते हैं, लेकिन खाने में वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम इसे पलट पलट के थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारे पराठे में कितने अच्छे कलर आए हैं, कितना बढ़िया पराठा फूल रहा है।
आइए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप जब भी पराठा रखें तो या तो पराठा के नीचे कोई पेपर रख लीजिए, या तो कोई कटोरी, पेपर ना हो तो कोई कटोरी रख लीजिए, उसके ऊपर आप पराठे रखिए। नहीं तो हमारे पराठे जो है ना नीचे से पसीज कर पानी उससे गीले हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप प्लेट रख के उसके ऊपर रखिए। आइए इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेते हैं। पराठे को डाल देते हैं, इसको भी हम गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे नीचे से, उसके बाद पलटेंगे। हम इसको पलट लेते हैं, इसमें भी घी लगा कर फैला देंगे। इस तरह से हम पराठे में पूरे में फैला देंगे घी को। हम इसे पलट लेते हैं, पलट पलट कर हम पराठे को सेकेंगे। इसमें अच्छी तरीके से खूब बढ़िया घी लगा के फैला देंगे। देखिए हमारे पराठे में कितने अच्छे कलर आए हैं। ये अंदर ऊपर से क्रिस्पी लग रहा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। आइए हम आपको एक पराठा कट करके दिखाते हैं। अभी पराठे बहुत गर्म हैं, कितने अच्छे स्टफिंग इसके दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इस तरह से पराठे बनाकर खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ध्यान रखिए हमेशा हमें पराठे के लिए सख्त नहीं आटा गूंथना है। सारे पराठों को हमने इस तरह से बना लिया है। आप इसको दही के साथ, रायते के साथ और चटनी के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर ये हमारी पराठे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।